अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। मैं बताने लगी हूँ आपको कि स्पाउस वीजा में जब हम आते हैं तो फिर कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान में एक एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो हमें 2 या 2.5 साल का हमें वीज़ा मिल जाता है, तो उसके बाद हमें एग्जाम देना पड़ता है। तो वो होता है हमारा A2 का। A1 का हम दे के आते हैं पाकिस्तान में और A2 का हम यहाँ पर आके देते हैं, और उसके बाद हमारा होता है लाइफ इन UK का, उसके बाद होता है B1 का। बट मैंने जो है अभी, क्योंकि मेरा जो पाकिस्तान में दिया था ना, उसके बाद मुझे 2.5 ईयर का मिला था वीज़ा, तो उसके बाद मेरा सितंबर में एक्सपायर होना था, बट मैंने अर्लियर ही ना इसका एग्ज़ाम दे दिया। और ये है A2 जो हमने देना था, A2.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सर्टिफिकेट इसका आ गया है क्योंकि मैंने इसका क्लियर कर लिया है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी गाइड कर दूँ, जो न्यू आने वाले होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पजल्स हो जाते हैं क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं होती, कोई पता नहीं होता कि कैसे देना है कैसे। तो आप लोगों ने सबसे पहले ना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जब आपने टेस्ट देने जाना है आपने टेस्ट जो है ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी है उसकी। ऑनलाइन जब आप बुक कर लेंगे ना, तो आप जो जिस ईमेल जो ईमेल आ जाएगी आपके पास कि आपने ना किस एरिया में देने जाना है, कहाँ किस टाइम पर, और जो जिसे आप बुकिंग करेंगे ना, वो कार्ड होगा या आपका भी वो होगा पासपोर्ट होगा, जिससे भी आप बुकिंग करेंगे वो आपने साथ लेके जाना है। मैंने कार्ड से की थी, जो मुझे 2.5 ईयर के लिए मिला था ना, मैंने उससे बुकिंग की थी, तो उसका नंबर और सारा डिटेल देके। तो आप वही लेके जाना, क्योंकि जाहिर बात है हमारा यहाँ पे रहने का वो स्टे के लिए हमारे पास वही एक सबूत होता है, तो आपने वो वाला साथ रख लेना है। वही बस एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स के तौर पर चाहिए उनको। फिर आप वहाँ पर जाएंगे, 1 घंटे के पहले आपको वो बुला लेते हैं वहाँ पर, 1 घंटा पहले चले जाएंगे। मैंने दिया था लीड्स में, तो स्टॉकहोम में मैं रहती हूँ, लीड्स में मैंने जाके दिया था। मोस्टली लोग लीड्स में ही देते हैं क्योंकि वहीं पे इसका सेंटर, जो कि वीज़े के लिए हमें जाना पड़ता है ना, तो वीज़े का जो भी प्रोसीजर होता है वो वहीं पे मोस्टली होता है। तो मैंने वहाँ पे चूज़ किया था, आई थिंक न्यूकासल में भी होता है, बट मैंने वहाँ पर चूज़ किया था। वो है 1.5 और लग जाता है आपको जाने के लिए, तो उस हिसाब से अपने घर से निकलना है और पहुँचाना जल्दी। जब हम वहाँ पर एंटर करेंगे ना लीड्स में, जब मैंने उस एरिया में एंटर किया, सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ क्या किया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि वो अपना ID दिखाइए, तो मैंने वो दिखाया, फिर नाम वगैरह पूछा, फिर उसने बिना मेरे हस्बैंड को कहा कि आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है आपको। तो फिर मुझे वो अपस्टेयर ले गए, वो मुझे कहा कि अपना फ़ोन बंद कर दे। मैंने फ़ोन बंद किया उनके सामने, फिर मुझे ऊपर ले गई। ऊपर जाके देखा तो फुल ऐसे ना सेटअप बना हुआ था, जहाँ पे वेटिंग के लिए लोग बैठे थे, और उसके बाद जो दो ना कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, और उन्होंने फिर IKEA मुझसे पूछा कि अपने बाजू चेक करवाओ, अपने हाथ ये वो सारा कुछ चेक करवाओ, अपने कान के पीछे कान के आगे, ताकि आप कोई चीटिंग करने के लिए कुछ सामान तो नहीं लेके आए। अच्छा, फिर वो आपको देख कहती है कि मोबाइल चेक करो। मैंने कहा मेरा तो ऑलरेडी बंद है, कहते नहीं, फिर मुझे शो कराओ। मैंने शो कराया, फिर बस आपको वेटिंग के लिए बिठा देते हैं। फिर क्योंकि ये सिर्फ होता है 7-8 मिनट का टेस्ट होता है, बिल्कुल भी आपने नर्वस नहीं होना, कहना हर चीज़ मैंने आंधी आवाज़। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप लोगों ने कहना कि मैं से अच्छी इंग्लिश तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो उन्होंने ना आपका टेस्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए करना है, यानी कि आपको कितनी नॉलेज है इंग्लिश की और ये वो, कि आपको एरियाज़ की कितनी नॉलेज, कुछ भी नहीं। उन्होंने देखना है कि आप बोल रहे हैं सही, है ना, आप में कॉन्फिडेंस है बोलने के लिए, बस आपने बोली जाना बोली जाना बोली जाना। आप जैसे ही इंटर करना है तो ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होती है, लाइक वीडियो पे आपको से बात करी हो, जैसे मैं आपके थ्रू बात करी हो ना, तो ये इस तरह वो बात करी होगी ना, कि वो आपके ना सामने आमने सामने होगी। मे भी आपकी दफ़ा वो आमने सामने हो, बट मेरी दफ़ा इस तरह था कि नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर आपने जैसे इंटर करना है ना, आपने कहना है हेलो, पीछे लाइक उसको तो नज़र आ रहा होगा ना वीडियो में, हेलो गुड मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग कहना। मैंने कहा था गुड आफ्टरनून, एंड मैं जाके बैठ गई, और उसके बाद वो भी खुश हो गई ना कि बोल रही है, खुद से बोलना है ना आपने। आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा ब्रीथ का इशू हुआ है, इस वजह से मुझे बार बार पॉज लेके करना पड़ रहा है, जहाँ मैं बोल रही हूँ तो मेरा सांस चढ़ रहा है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर वो आपसे पूछेगी, फिर अब कहेगी व्हाट इज़ योर नेम, तो आपने अपना नाम बताना है, और अगर स्पेलिंग का एक स्पेल करके दिखा देना है कि क्या नाम की स्पेलिंग है। फिर वो आपसे पूछेगी वेयर यू फ्रॉम, फ्रॉम कहेगी तो आपने कहना है पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ से भी हैं। लेकिन अगर वो कहेगी वेयर यू लिव, तो इसका मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं UK में, तो आपने वो अपना एरिया बता देना है, जैसे स्टॉकटन लीड्स में रहती हूँ या मैनचेस्टर में, जहाँ से भी आप होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगी, है ना, कुछ इस तरह ना आपसे बातें करती रहेगी करती रहेगी, आपसे ये भी पूछ सकती है डू यू हैव अ पेट, एंड डू यू हैव स्कूल योर नियर टू योर हाउस, एंड ऑल्सो लाजमी जो मस्त 3-4 क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये ज़रूर होता है कि वट इज़ योर इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, वट इन बैक ऑफ योर हाउस। तो आपने ये नहीं कि एग्जैक्ट बताना मेरे बैक पे कुछ भी नहीं है, मेरे फ्रंट पे कुछ भी नहीं है, एक हाउस ही है,
तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहना कि वो मुझे तो पता ही नहीं क्या है ये नहीं, आपने रखना इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज अ स्कूल, बैक ऑफ माई हाउस पार्क है छोटा सा, बस वो पूछ ले कि पार्क कितना छोटा है, तो आपने बता देना या पार्क में आप कितनी दफ़ा विजिट करने जाते हैं, बता देना रोज़ जाते हैं, एवरी डे, वीक में एक दफ़ा जाते हैं, कुछ भी। अच्छा ये एक है, दो दो मस्ट क्वेश्चन जरूर करती है। तीसरा मस्ट क्वेश्चन ये वाला उसने जरूर करना होता है कि अगर मैं आपके घर में रह रही हूँ और मुझे पार्क जाना है तो मुझे डायरेक्शन बताओ, तो आपने क्या कहना है, बस आपने कहना है फिर यू लीव योर हाउस यू मस्ट गो स्ट्रेट एंड देन यू टर्न लेफ्ट, यू सॉ अ बिल्डिंग एंड इन फ्रंट ऑफ दिस बिल्डिंग इज अ पार्क, बट इन बैक ऑफ दिस पार्क इज अ प्राइमरी स्कूल फॉर चिल्ड्रन, सो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट लाइक दैट। इस तरह करके ना कुछ भी अपनी मर्जी से, बस स्ट्रेट जाना है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, लाइक इस तरह करके कुछ आपने बोल देना, नर्वस बिल्कुल नहीं होना, जो भी आपको समझ आ रही ना, ये नहीं क्या आ नहीं कहना कि एग्जैक्ट तुझे लोकेशन दसनी है, नो, जस्ट आप लोगों ने ना, आप उन्होंने देखना है कि आपको नहीं चाहती है कि नहीं। अच्छा फिर आपसे वो इस तरह कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछती रहेगी, पूछ के फिर वो आपको ना कुछ पिक्चर शो करेगी, कहेगी ये बताओ ये क्या काम करता है, ये क्या, जैसे उसने मुझे काफ़ी सारे पिक्चर शो किए, उसने कहा कि दो टू नंबर पे जो पिक्चर है वो क्या काम करता है, वो एक नर्स की थी, वो ना ऐसे इंजेक्शन पुट करी थी, तो आपने कहना है कि ये नर्स है, फिर वो एक फायर ब्रिगेड वाला था तो वो आपने बता देना है, फिर वो ना जा रहे थे लोग ना ऐसे जंप कर करके ना, तो मुझे कह रही थी ये क्या है ना, मैंने कहा वो मैं पहले कहने लगी वॉकिंग ना, तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं वॉक तो नहीं करने दे, फिर मैंने सोचा नहीं ये तो रनिंग करे, मैंने कहा रनिंग ना, फिर कहती गुड गुड, सो इधर करके ना तुसी नर्वस नहीं होना, तो बस दसी जाना, दसी जाना किया कि नहीं, हंस हंस के हाँ ये ओके ऐसे है ना। अच्छा फिर वो आपसे कहेगी ये दूसरा राउंड हो गया ना, पहले राउंड में सारे क्वेश्चन वगैरह पूछती है, फिर दूसरे राउंड में आप पिक्चर शो करवाती है काफ़ी सारी, वो आपने बतानी होती है, फिर तीसरे राउंड में वो आपसे कहती है डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो आपने ये नहीं करना, नहीं आपने कहना ये आई हैव अ क्वेश्चन वे यू, तुसी तीन चार क्वेश्चन पूछ लियो, मतलब अपने जेन रख लियो, अगर वो कहेगी एक ही पूछना, इफ यू सेड ओनली वन क्वेश्चन देन वेयर यू डू यू लिव, आप पूछ लियो, एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, एंड ऑल्सो डू यू हैव एनी पेट, इस तरह एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन का कहा था, मैंने पूछा उसने कहा थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, एंड बस फिर मैं चली गई। तो इस तरह इजी पीजी है, और उसके बाद मॉर्निंग में ही आपको मैसेज आता है 9 o'clock तक, आपको सुबह तक मैसेज आ जाता है कि आप पास हैं कि फेल हैं, पास हैं तो फिर ना हफ्ते तक आपको ये कार्ड मिल जाता है। मैंने कहा आप लोगों को गाइड कर दूं, नर्वस होता है बंदा, पता नहीं होता कि मैं एक दिन पहले बुकिंग की है, अगले दिन मैं देने चली गई हूँ, कोई नर्वसनेस नहीं थी, कोई इस तरह मैं घबराई नहीं थी, मैंने उसे बड़े क्वेश्चंस किए, बड़े आंसर्स किए, वो कुछ नहीं भी पूछ रही थी, मैं फिर भी बता रही थी ये, उसे मुझे पूछा कि फ्री टाइम में तुम क्या करती हो, एक मैं फ्री टाइम वाला जरूर पूछती है, एक आपका नाम, एक आपकी कहाँ रहते हैं, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आपके फ्रंट हाउस में फ्रंट के तरफ क्या है, बैक की तरफ क्या है, और आपके घर के पास अगर पार्क है या स्कूल है या कोई मार्केट है या कोई शॉप है तो उसकी मुझे डायरेक्शन बताओ कि आप कैसे जाओगे, ये वाले क्वेश्चन मस्ट हैं, उसके बाद पिक्चर्स शो होगी, बस ये वाला मैंने आपको बता दिया, अगर कहे कि मुझे क्वेश्चन करो ये तीन क्वेश्चन है कुछ भी इनमें से कर लेना, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ आशी लाइफ टिप्स, और सारी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है इन्फॉर्मेशन, और जब मैं लाइफ इन क्यू के कर दूंगी मैं उस पर भी गाइड करूंगी, अभी मैं जैसे ही रिसेंटली मैंने दिया, मैंने कहा आप लोगों को गाइड कर दूँ, बहुत सारे लोगों को नई नॉलेज होती है और घबरा जाते हैं, तो मेरी क्लास में भी काफ़ी, मैं क्लासेस भी लेने जाती हूँ ना, तो वहाँ पर भी काफ़ी लड़कियाँ से घबराई हुई थी, क्यों क्या करना है ये वो, मैं उनको कह रही थी काम डाउन कुछ नहीं होता, बस घबराना नहीं है, चलिए ठीक है वीडियो लंबी हो जाएगी, बाय बाय, टेक केयर। ये देखो आप लोग, मैंने यहाँ पे प्लेस ऑफ एंट्री ने लिखा लीड्स में मैंने दिया था, और सर्टिफिकेट इशू हुआ है मुझे 20 जून को, 2022 को, जून 2022, तो मैंने कहा जिस वक्त मुझे मिला मैं उसी वक्त ही आपको वीडियो दिखा देती हूँ बना के।